हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज जानते हैं आपका नमक कैसा हो। नमक में हमेशा नमी होनी चाहिए, बट आजकल ना वो नमी नहीं देखने में मिलता है। और ये नमी को जो निकाला जाता है वो दो केमिकल का यूज़ करके निकाला जाता है। पहला एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे खाने में जो नमक होना चाहिए वो काला नमक या फिर सेंधा नमक होना चाहिए। जितने भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप प्रयास कर सकते हैं, जब आप नहाने जाते हैं तो ज़रूर सेंधा नमक के पानी से नहा सकते हैं। और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है तो वही सेंधा नमक पानी में डालकर आप ज़रूर पिए। आयोडाइन नमक ज़्यादा यूज़ करने से देखा गया है कि हम नपुंसकता की ओर भी जा सकते हैं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आयोडाइन नमक अभी भी चल रहा है, बाकी सारे देशों में बैन कर दिया गया है। डेनमार्क में एक रिसर्च में देखा गया कि उनके मुल्क में जितने भी जनसंख्या, अगर बच्चा नहीं होने के कारण आयोडाइन था, आज अगर उनको बच्चा होता है तो उनकी सरकार उनको रिवॉर्ड देती है। काला नमक और सिंधा नमक में कम जहरीला होता है और हमारे शरीर में जितने जहर बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको निकालने में भी हेल्प करता है। सोडियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और कई सारे ऐसे फंक्शंस को सपोर्ट करता है। अगर सोडियम ना मिले हमारे नमक के द्वारा, जो कि काला और सिंधा नमक में बहुत अच्छे मात्रा में होता है, तो हमें लकवा भी मार सकता है और हमारे आवाज़ भी जा सकती है। समुद्री नमक में ये देखा गया है कि उसमें 3 से 4% ही पोषक तत्व होते हैं, पर काला नमक या सेंधा नमक में कम से कम 94 से 95% पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट करते हैं। लेकिन लास्ट के 60 से 70 साल में समुद्री नमक का प्रचलन बहुत बड़ा है। तो आज के लिए यही ज्ञान है कि ट्राई करें कि अपने घर में और अपने परिवार में और अपने दोस्तों में सेंधा नमक और काला नमक का यूज़ करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।